मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, गुरु भक्त, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, हमने एक फिल्म बनाई गुरबाणी दे कौतक, उसके बाद में उसका पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स। मैं पार्ट वन जो हमने बनाई तो उसको हमने पंजाब में बहुत जगहों पे दिखाया। पार्ट टू भी बनी हुई थी लेकिन हम उसके शोज नहीं कर पाए। गुरबाणी दे कौतक के बारे में एक ट्रेलर हम लोगों ने वैसे तो डाला हुआ था, काफी लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं तो उसमें कुछ इस तरह की वीडियो जो बहुत पहले डाले थे वो खो जाते हैं। गुरबाणी दे कौतक का हिंदी में एक वर्जन हमने डाला हुआ है पार्ट वन का, लेकिन पंजाबी वर्जन उसका हमने अभी डाला नहीं था, उसकी योजना चल रही थी। तो पार्ट वन का पंजाबी वर्जन हम लोग डालने वाले हैं, तो उसका ट्रेलर। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। गुरबाणी के कौतक, कौतुक हम सब समझते हैं, गुरबाणी के चमत्कार। हमारे यहाँ कुछ सिख सज्जन ये कहते हैं कि भाई सिखिज्म में तो चमत्कार मना है, कौतुक मना है। तो ऐसा कुछ पत्रकारों से मेरी बात हुई जब शुरू में हमने इस फिल्म की शुरुआत की थी, तो उन्होंने कहा ये टाइटल ही आपका गड़बड़ है। तो मैं अक्सर लोगों की जानकारी के लिए जिनको नहीं मालूम है उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, गुरबाणी के मुताबिक या सिख धर्म के मुताबिक जो करामात कहर है यानी चमत्कार कहर है, वो तब कहर है जब हम अपनी तारीफ के लिए, अपनी वाहवाही के लिए या किसी के हुक्म या किसी के डर की वजह से अपनी जान बचाने के लिए उस ईश्वर को, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड को मदारी बनाएं, तब ये कहर है, करामात कहर है। लेकिन वैसे तो करामात आए दिन होती रहती है, मेरा बोलना ही अपने आप में उस ईश्वर की करामात है। हमारे यहां दर्शनी ड्यूटी जो है, आप जाएंगे तो वहां पे करामात लिखी हुई है, चमत्कार की घटना। और अगर आप सिख हिस्ट्री पढ़ें तो चमत्कार चमत्कार मिलेंगे आपको। बिदर में वो पानी सरकार ने कोशिश कर ली, अब तक नहीं निकाल पाए, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने निकाला था। पंजा साहब चले जाइए आप, रीठा साहब चले जाइए आप, नानक मत्ता साहब चले जाइए आप, पत्थर साहब चले जाइए, और उनके बचपन की जो घटनाएं हैं, सांप का छाया करना, परछाइयों का ना ढलना, फसलों का हरा होना और तमाम इस तरह की घटनाएं हैं, तो और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है चमत्कार करने से। वो तो हर दिन चमत्कार करता है, उसका सूरज, उसका चांद, उसकी बारिश, उसके बादल, उसके फूल, सब चमत्कार ही तो हैं। हमारा ये बोलना, ये आवाज, ये वोकल कॉर्ड्स, ये दांत, ये जीभ, ये लिप्स और दिमाग में चलता तो शब्दों की फॉर्मेशन होना और धारा प्रवाह बुलवाना, ये सब चमत्कार है उसके। खैर, हम यूज हो जाते हैं तो हमको लगता नहीं है। तो गुरबाणी दे कौतक ये पंजाबी में हमने बनाई, और ये उन तमाम लोगों के जीवन पे उनकी उन अजीबोगरीब जो बीमारियां थी उनको, जिनका कोई इलाज नहीं था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और वो गुरबाणी से ठीक हुए, उनको ढूंढ ढूंढ के। अब ये भी मुझे ईश्वर ने ही प्रेरणा दी, कैसे वो मेरे पास जो वासु भारद्वाज थे वो गुजराती थे और नास्तिक थे और पंजाबी उनको समझ में नहीं आती थी, और लास्ट स्टेज का कैंसर था, बोन मैरो कैंसर, हड्डी का कैंसर, और डॉक्टरों ने 20 दिन का टाइम दिया था। तो कैसे वो पहुंचे, कैसे अखंड पाठ साहब सुना उन्होंने, स्ट्रेचर पे गए थे, वो कैसे चल के आए, वो जो अद्भुत घटना थी, ज्योत प्रकट हुई गुरु ग्रंथ साहब में से और उनके हाथों में समा गई, बहुत ठंडी थी, ये उन्होंने सब खुद बताया। और उसकी बेटी ने फोटो लिए तो उनके घर के, उनके परिवार के पास फोटो भी हैं, और वो ठीक हो गए, 48 घंटे में उनका कैंसर चला गया और बाद में आया नहीं वापस। तो
उनका लिखा हुआ अपने हाथ से, मैंने पहले कहीं इसका जिक्र किया होगा, वो मेरे पास किसी ने मुझे दिया। जैसे मैं तमाम फिल्मों की बात करता हूँ कि कोई ना कोई भीड़ में से मुझे दे जाता था और मैं रख लेता था कि हमारी कौम में मशवरे देने वाले बहुत हैं, पैसे देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि भाई ये बहुत महंगा माध्यम है, तो बड़े राय देते हैं ये बना दो वो बना दो, लेकिन फंड का कोई नहीं सोचता है। तो मैं रख लेता था एजिटेट होके भी, आज देखो एक और मशवरा देने आ गया, तो ऐसे ही रख लिया। और कैसे फिर वो फिल्म जब मैंने उसको पढ़ा तो कैसे मेरा परसेप्शन चेंज हुआ, मेरा नजरिया चेंज हुआ, और मुझे लगा ये ठीक हुए हैं तो और बहुत लोग ठीक हुए होंगे। यहाँ से तलाश शुरू हुई और फिर कैसे लोगों को ढूंढा, मिले और सबके इंटरव्यूज कर करके कुछ उसको ड्रामेटाइज किया, बीच में वो फिल्म बनी और कमाल की फिल्म बनी। मैंने उसको बहुत शोज किए, बड़ा आनंद लिया उसको, जब भी कहीं दिखाता था बहुत आनंद आता था, लोग बड़े भाव विभोर हो जाते थे, और इवन अमेरिका से दुनिया भर से मुझे लोगों के फ़ोन आते थे, उनको कहीं से DVD मिल जाती थी, ये सब रोक औखना मिशन वाले लोग जाते थे वहाँ तो मुझसे DVD ले जाते थे और ये वहाँ पे लोगों को बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनसे कोई डोनेशन लेते थे। तो वहाँ जब लोग देखते थे तो वो मुझे फ़ोन करके फ़ोन पे रोते हुए फ़ोन करते थे। एक भंवरा साहब थे, रविंद्र सिंह भंवरा न्यूयॉर्क में, वो मुझे भाई साहब हमारे बलवंत सिंह हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने मिलवाए थे, तो उनके मित्र थे पुराने, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारी सारी फैमिली अभी फिल्म ख़त्म हुई है और मैंने फ़ोन किया आपको, हम सब वैराग्य में रो रहे हैं बैठे आनंद में ये फिल्म देख के। तो ऐसी वैराग्यमय फिल्म है जिस पे कृपा है, जिसका भाव बनने लग गया है, जो भीग गया है, जिसमें वो भावुकता और सेंसिटिविटी है, वो तो बहुत वैराग्य में आता है। ये बापू की करामातें देख के, बापू के चमत्कार देख के, उसके नाम का जलवा देख के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जब ये फिल्म देखेंगे, हमने बहुत जगह ढूंढ ढूंढ के, उसमें डॉक्टर बलवंत सिंह भी मेरे साथ जाते थे, इनका जो मिशन है लुधियाना में ज़्यादातर लोग वहीं के थे, तो मेरी इच्छा थी कि जो बाहर भी लोग ठीक हुए उनके भी इंटरव्यू डाले जाएं, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ मिशन में ही लोग ठीक होते हैं, सर्वो काउखना मिशन में, क्योंकि भगवान का नाम तो भगवान का नाम है, गुरबाणी तो गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ साहब तो गुरु ग्रंथ साहब हैं, अकाल पुरुष हैं, तो शब्द रूप में परमेश्वर हैं, तो वो कोई कहीं भी सुन ले, बस सुनना इंपॉर्टेंट है, जो हम बार बार जोर देते हैं हर वीडियो में, सुनना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई सुन लेगा तो कृपा हो जाएगी, सुनना आना चाहिए, कितना गहरा आप सुनते हैं। तो मैंने वासु भारद्वाज को डाला, और भी मेरी कोशिश थी कुछ लोगों को, अंग्रेज सिंह है बरेड़ी में, उनको डाला, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि कहीं भी आप हैं, अगर आप जपने लग गए और सुनने लग गए तो आप ठीक हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने शब्द, जो सर्व काउखा नाम के शब्द हमने बॉम्बे में रिकॉर्ड किए, तो वो हमने यूट्यूब पे हमारे चैनल पे भी डाले हुए हैं, sikhfilm.com हमारी साइट है, उसमें डाउनलोड्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसको भी वो मिले, तमाम लोग हमको बाद में बताते हैं कि उनकी लाइलाज बीमारियां ठीक हो गई, कैंसर ठीक हो गया, ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गया, ब्लड कैंसर ठीक हो गया, तमाम तरह की बीमारियां, सार्कोडाइसिस ठीक हो गया, सुन सुन के, निरंतर सुन सुन के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से ये तमाम लोग जिनके जीवन का कायाकल्प हुआ, क्योंकि उसके बाद आपको विश्वास आ जाता है कि ईश्वर है, ईश्वर के नाम में कितनी बड़ी ताकत है, जब विश्वास आता तो फिर आपके जीवन का कायाकल्प होना सुनिश्चित है। तो तमाम लोगों के जीवन का कायाकल्प हुआ, उनका हम ये आपको ट्रेलर दिखाएंगे, और ट्रेलर देखने के बाद में जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म भी अपलोड करेंगे, ताकि आप सभी लोग जिन्होंने नहीं देखी है वो भी आनंद ले सकें। फिलहाल आप देखें हमारी इस फिल्म का ये ट्रेलर, और उम्मीद करता हूं कि इसे देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की फिल्म होगी। फिल्म का नाम है गुरबाणी दे कौतक। मंगल ढिल्लों फिल्म अते म्यूजिक कॉरपोरेशन निम्रता अते सत्कार सहित पेश कर दे हन सर्ब रोग का औखद नाम।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਫਿਲਮ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੇਜੋੜ ਫਿਲਮ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਰਲਭ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਦੀ VCD, DVD ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ CD ਕੈਸੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ VCD ਅਤੇ DVD ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लों चैनल।